तो आपको पता ही होगा, प्याज के भाव 150 रुपए के पार चले गए हैं। अभी बढ़ती महंगाई में क्या हो किसको पता, लेकिन हर महीने आने वाला महंगाई का आंकड़ा आपको इससे भी बड़े झटके देने वाला है। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनते ही खाने की चीजों की महंगाई दर पहली बार दहाई का आंकड़ा छू रही है। नवंबर महीने में खाद्य पदार्थों की महंगाई दर 10.1% और इससे पहले साल यानी कि 2013 के 13.16% दर्ज की गई थी। मांस मछली और सब्जियों दालों के बढ़ते दाम से लेकर खाने की चीजों तक महंगाई दर बढ़ती ही जा रही है। अगर बात करें अगस्त 2019 की, खाद्य पदार्थों की महंगाई दर 2.99% थी और सितंबर में बढ़कर 5.11% हो गई थी, और वहीं अक्टूबर में 7.89% और नवंबर में यह आंकड़ा 10.1% हो गया है। जानकारों के मुताबिक कहा जाए तो बेमौसम बारिश और ज्यादा पानी बरसने की वजह से यह महंगाई दर बढ़ी है। आंकड़ों के मुताबिक नरेंद्र मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में जून 2014 में मई 2019 तक खाद्य पदार्थों की महंगाई दर औसतन 3.26% रही है। ये आंकड़ा सामान्य खुदरा महंगाई दर 4.31% से कम था। ब्यूरो रिपोर्ट, BHBC न्यूज। रोज की ताज़ा खबरें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें BHBC न्यूज चैनल, साथ ही रोज के नोटिफिकेशन जानने के लिए दबाएं बेल आइकन। साथ ही हमें अपनी राय देने के लिए हमारी वीडियो पर कमेंट करके बताएं, और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।